हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मिट्टी से एक बहुत ही शानदार सा डाक कैसे बनाते हैं, हाँस। तो गाइस, आज मैं आपको बिना किसी स्ट्रक्चर के बिना किसी आर्मेचर के डाक कैसे बनाते हैं मिट्टी से, यही मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, आज का जो डाक बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, मतलब इतना सिंपल है कि आप अगर इस वीडियो को ध्यान से एक बार देखेंगे, ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको नहीं सीख पाएंगे। तो लेकिन आप अगर इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये जो डाक बनाने का जो प्रोसेस है ये आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज का जो ये डाक बनाने का जो प्रोसेस है ये बिना किसी स्ट्रक्चर के बिना किसी आर्मेचर के। लेकिन डाक का जो गला होता है वो थोड़ा लंबा होता है, तो वहाँ पे सिर्फ मिट्टी से ये नहीं खड़ा रह पाता। तो मैंने इसीलिए क्या किया है, उसके गले के अंदर एक छोटा सा स्टिक एक लकड़ी डाल दिया है ताकि वो थोड़ा सीधा रहे, नहीं तो अगर ओनली मिट्टी का होता तो वो मतलब टूट जाता, ठीक है, या फिर मिट्टी जो नरम होता है इसलिए वो गिर जाता। तो इसीलिए मैंने सिर्फ उसके गले के अंदर ही मैंने एक लकड़ी दे दिया ताकि इसका गला थोड़ा सा स्ट्रांग हो, ठीक है। तो गाइस, अभी देखिए, अभी उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैंने मिट्टी से बना लिया है, मतलब ये जो डक है, डक का जो पंख है, जो पूंछ है, गला है, उसका हेड, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने मिट्टी से, उसका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट सही वर्ड रहेगा, तो उसका जो मेजरमेंट है वो मैंने बना लिया है, ठीक है। तो आप भी जब कोई चीज़ बनाएंगे मिट्टी से तो आप भी सबसे पहले सिर्फ ये तीनों स्टेप्स का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्टेप है आपको मेजरमेंट, दूसरा स्टेप है आपको क्लीनिंग, एंड तीसरा स्टेप है फिनिशिंग, ठीक है। तो देखिए, मैंने सबसे पहला जो स्टेप है वो मेजरमेंट वो मैंने कर लिया है। तो मेजरमेंट करने के बाद अभी जो दूसरा स्टेप है वो है क्लीनिंग। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्लीनिंग भी कर रहा हूँ। तो क्लीनिंग करने के बाद मैं करूँगा क्या, फिनिशिंग, मतलब हमारा जो तीसरा स्टेप है। तो अब फिनिशिंग का जो स्टेप्स है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, क्योंकि वही एक अकेला एक स्टेप्स है जिसमें आपको आप जो चीज़ बना रहे हो वो कैसा होगा वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपका फिनिशिंग में। मेजरमेंट के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फिनिशिंग, क्योंकि फिनिशिंग के टाइम पे जो डिटेल्स है आपका, आप जो चीज़ बना रहे हो उसके जो डिटेल्स है वो आप फिनिशिंग में दोगे। मेजरमेंट में आप एक अप्रॉक्स डिटेल्स दोगे, लेकिन फिनिशिंग में आपको पूरा का पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। जैसे कि आप इस जो मैं डाक बना रहा हूँ यहाँ पे देखिए, मैंने मेजरमेंट कर लिया है, क्लीनिंग भी कर लिया है, अभी इसका जो पंख है, जो पूंछ है, ठीक है, इसका जो डिटेलिंग है वो हमें अभी करना है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं कैसे इसका डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ये अभी सोच रहे होंगे कि मैं ये जो डाक बना रहा हूँ तो इसका जो मिट्टी है ये कौन सा मिट्टी है, मतलब मैं कौन सा मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन भी करते हैं कि आप कौन सा मिट्टी यूज़ करते हैं,
और ये मिट्टी हमें कहाँ से मिलेगा और हमें कौन सा मिट्टी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा आप लोग कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, मैं एक ही बात आपको बोलूँ कि मैं जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल मिट्टी है। नॉर्मल मिट्टी मतलब हमारी पैरों के नीचे ज़मीन पे जो मिट्टी होता है ना, वही मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी। देखिए, मेरा घर पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे बंगाल में जो मिट्टी होता है ना, वो बहुत ही अच्छा मिट्टी होता है। तो इसलिए हमें कोई मिट्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे जो घर में जो मिट्टी मिलती है, ज़मीन में, खेतों में, ठीक है, वही से जो मिट्टी आती है, उस मिट्टी से ही हमें ये काम चल जाता है। तो आप लोग अगर मुझसे पूछें कि आप कौन सी मिट्टी यूज़ करें, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ये मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जो मिट्टी यूज़ करती हूँ वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, कहीं पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपके भी आसपास अगर ये मिट्टी मिल जाए तो आप बड़ी आसानी से ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं मिले, कोई भी मिट्टी मिले, तो आप एक काम करिए, पहले उसको तैयार कर लीजिए मिट्टी को। ठीक है, मिट्टी तैयार करने के बाद आपके पास जिस मिट्टी है उसी मिट्टी से आपको काम करना, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस का ही मामला है। आप अगर उस मिट्टी से एक बार फ्रेंडली हो गए तो आप उस मिट्टी से भी कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा होता है कि हमारे देश में एक एक जगह का मिट्टी एक एक तरह है, तो इसलिए आप अगर उस मिट्टी से एक बार फ्रेंडली हो जाए तो आपका फिर से शायद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो गैस, हमारा आज का जो ये डक है ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी देखिए, ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गैस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट मिलती है। तो गैस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।